नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग कोविड की नई लहर को रोकने के लिए टीकाकरण की तैयारियों में लगा है। शासन की मंशा के अनुसार कोशिश की जा रही है कि 70% लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए। टीकाकरण के लिए युवाओं में काफी उत्साह है, तो वहीं 15 वर्ष से अधिक उम्र की बच्चियों में भी टीकाकरण के लिए काफी उत्साह है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। स्वास्थ्य केंद्र व सह केंद्रों पर भी लोगों को टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। 3 जनवरी से इसका शुभारंभ होगा, जिसमें 15 वर्ष आयु वर्ग के लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग तक के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह, स्वास्थ्य अधीक्षक और विद्यार्थी ने क्या कुछ कहा। आपका? मेरा नाम उत्पल पांडे, कहाँ निवासी है? ग्राम फुलवरिया कटमा। कहाँ पढ़ते हैं भैया? पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज। किस क्लास में हो? 11th। ये जो सरकार द्वारा वैक्सीनेशन 3 तारीख से 14 साल से लेकर 18 साल वालों को लगनी है, इसमें आप भी हो, आपको कैसा लगेगा अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो? मैं लगवाऊंगा, मेरा मैं कोरोना से बचूंगा। और क्या अपने साथी लोग को भी जागरूक करोगे इसके लिए? यस। कितने लोग कर सकते, कितने लोग लगवाओगे? लगवा पूरे क्लास में 80 लोग हैं, 80 लोग को लगवा सकते हैं। अब ये 13 जनवरी से 15 जनवरी तक 18 वर्ष की आयु के टीकाकरण शुरू होना है, इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इसके बाद तक? अभी हम लोगों को जो ऊपर से जिले से निर्देश मिला कि आप अपने उपकेंद्र वाइज कक्षा जो इंटर कॉलेज है 9 से 12 तक के कितने कॉलेज हैं, जो कहाँ जहाँ मैंने कक्षा 9 से 12 तक की इन कॉलेजों की लिस्ट बना ली जाए। तो 3 जनवरी से अगर लॉन्च होगा तो हम उपकेंद्र वाइज प्रत्येक एनएम उस स्कूलों में जा कर के उनका टीकाकरण करेंगे 15 से 18 साल वालों में। तो कक्षा 9 से या केवल विद्यालय में ही होगा कि आपके SEHS अस्पताल में भी उपलब्ध होगा? नहीं, यहाँ भी बनेगी साइट, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्षेत्र वाइज विद्यालय में ही कवर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है सर का प्रोटोकॉल ही बताया गया है कितनी उम्र से कितने बजे? हाँ, 15 से 18 साल, 18 के ऊपर हम लगा ही रहे थे, अब 15 से 18 साल के लिए आ गया है। तो उसमें अभी यही कि हम उपकेंद्र वाइज कितने विद्यालय आ रहे हैं उसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें कितने बच्चे हैं उसी हिसाब से हम फिर उपकेंद्र वाइज ही टीकाकरण करके करेंगे। लगभग आपके इस अस्पताल में कब से वैक्सीन, मतलब आपके क्षेत्र में कब से वैक्सीन लगनी जाएगा तो ये क्षेत्र में? जैसा कि 3 जनवरी से बताया जा रहा है, 3 जनवरी से ही इसका उद्घाटन हो जाएगा।